सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल द बॉल का, आर्क डू और डाई का। सो गाइस आर्क डू और डाई के पिछले एपिसोड में हम लोग ने ये ओपी सा जो फ्यूनिक्स देख रहे हो इसको आउट ऑफ नोवेयर ऐसे गाइस क्राफ्ट करके टेम करा था। बट उसके बाद इसकी जो पावर से गाइज इसेंस वगैरह इकट्ठा करने की वो देख के हम लोग चौंक गए। और इससे फ्यूनिक्स से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा पिछले एपिसोड में हुआ था। बाकी आज भी हम लोग इस एपिसोड में क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर्स को जरूर चेकआउट कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चलो गाइस आज का आर्क डू ऑर डाई का ये वाला एपिसोड हम लोग शुरू कर देते हैं और मचा डालते फुल डू। तो भाई ना मेरे भाई, तो गाइस देखो अभी हम लोग को फ्यूनिक्स तो मिल गया भाई। फ्यूनिक्स ने भाई एक नंबर काम करा है, कुछ भी बोलो। इसने जो मुझे बॉस इसेंस दिए है ना भाई, वो देख के तो मैं भाई फुल शॉक हो चुका हूँ यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है बताए तो तुम्हारे पास भाई 5 फ्रिज है बराबर, तो हम लोग को 4 और फ्रिज बनाने हैं। क्या 4 और फ्रिज बनाने के लिए हमारे पास इनफ मेटल इंगट है बराबर है। चलो ये 4 फ्रिज मैं एक के ऊपर एक रखूँगा और हर एक फ्रिज के अंदर जो मीट है ना हर एक टायर का वो मैं फिल करके रख दूंगा, ताकि हम लोग को अगर मीट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं भाई कहाँ पे मीट, वैसा सीन नहीं होगा। हम लोग को एक ही जो गाइस ये अपने रेफ्रिजरेटर है वही चेक करने पड़ेंगे और वहाँ पे हम लोग को मीट मिल जाएगा। सो ये टॉप पे ये मुझे अभी जस्ट पता चला है कि हम लोग ऐसे फ्रिज को एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख सकते हैं, वरना पहले मेरे को ये पता नहीं था भाई कि हम लोग फ्रिज को ऐसे रख सकते हैं। सो अभी मुझे यहाँ से ले लेना है गाइस मीट, जो भी मीट होगा जिस भी टायर का वो सारा मीट ले लेना। नॉर्मल वाला मीट भाई मिल गया मुझे, ठीक है भाई चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल वाला मीट तो कहीं ना कहीं अपन जुगाड़ कर लेंगे। सो यहाँ पे नेम वॉइड रीनेम कहाँ पे होता है, रीनेम ना वॉइड व्यू आईडी वॉइड, अब तो नाम ही ना दिख रहा। अच्छा रीनेम का ऑप्शन है ना, सेव भाई नाम का पीछे दिख रहा है क्या नाम, अच्छा दिख रहा है लेकिन एकदम टॉप पे दिख रहा है, कलर चेंज नहीं हो सकता क्या, ये छोड़ो भाई लेट्स गो। इसके अंदर मैं वॉइड डाल देता हूँ, ब्लू कलर का जो मीट है वॉइड वाला वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल के रख रहा हूँ ये वॉइड वाला मीट बराबर। ये वॉइड वाला स्पॉइल मीट भी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम में नहीं चलो लिख देता हूँ ना, सेट रीनेम इन्फर्नल एक्सेप्ट एंड सेट नेम, दिख रहा दिख तो रहा है बट उतना अच्छे से नहीं दिख रहा। इन्फर्नल वाला मीट जो है गाइस वो यहाँ पे जाएगा, जो कि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ही है रहा यहाँ पर। रुको इन्फर्नल वाला मीट कितना है, बस इनफ, एक का डबल करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी कम है लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग इसको एक का डबल कर लेंगे, अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रख देते हैं। और ये कौन सा वाला है, ट्वाइलाइट वाला, ठीक है। सो इसको हम लोग ट्वाइलाइट ओके रीनेम, ट्वाइलाइट वाला जो मीट है गाइस वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ये कौन सा वाला था, इन्फर्नल वाला ना, ये ट्वाइलाइट मीट स्पॉइल मीट भी और ये इन्फर्नल वाला स्पॉइल मीट भी यहाँ पे डन। सारी गाइस मीट जो है गाइस वो सेपरेटली हम लोग ने फ्रिज के अंदर रख दिया है, वहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये मीट एक मिनट रुक जाओ, फीडर भाई फीडर के लिए मीट चाहिए मुझे, फीडर लगा देता हूँ गाइस रुको एक। इसके अंदर हम लोग जो है ना कि हमारे डायनोस के लिए मीट वगैरह भर के रख देंगे और वहाँ पे ये वाला मीट यूज़ होगा। फीडर में लगा देता हूँ यहाँ पे कोने में कपचे में, नीचे ना गिर जाओ, ये लगाते लगाते इसके अंदर जो मीट वगैरह है। अबे यार ये ऊपर इतना टीटी नहीं लिखना था, यहाँ पे टी लिखना था भाई। ये जो मीट है मेरे इन्वेंटरी में वो सारा इस फीडर के अंदर जाएगा, डन। चलो फीडर भी लगा दिया है, फ्रिज भी लगा दिए, मीट सॉर्ट करके भी रख दिया है। अभी बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। सो इवोल्यूशन स्टोन ईवो डीएनए, कर्स वाला नहीं, ईवो डीएनए होली भी नहीं, ड्राउनिंग डीएनए,
उसके लिए वाइट डायनो डीएनए। मैं वाइट डायनो का डीएनए कहाँ से लाऊं यार, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा मैं डायनो का डीएनए कहाँ से लाऊं। मुझे सारे डायनोस का डीएनए मिल गया बट वॉइड वाले, मैंने वॉइड वाले कितने डायनो मारे हैं अभी तक, बहुत सारे मारे मैंने डायनो। पिछले भाई एपिसोड में भी बहुत सारे वॉइड वाले डायनो फ्यूनिक्स से मार दिए थे मैंने, बट मुझे डीएनए ही नहीं मिल रहा। वॉइड डायनो डीएनए इवोल्यूशन के लिए चाहिए होगा, मेरे पास ड्राउनिंग ही डीएनए है। मुझे इवॉल्व करना है गाइस आज किसी भी कीमत पे। मैं अपने डायनो को ये मिट यहाँ से ले लो, रुको, मेरा जो प्यारा सा बल्ब डॉग है उसको मुझे इवॉल्व कर लेना है, बट उसके लिए डीएनए शीएनए मांग रहे अभी पता नहीं भाई है। डीएनए का जुगाड़ जो है गाइस मैं कहाँ से करूँगा, वॉइड डीएनए कैन वी डीएनए क्राफ्टर शब्द और कुछ है ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग डीएनए बना सके। डीएनए स्टेशन है, ऑलराइट एक मिनट रुक जाओ, इज दैट डीएनए स्टेशन? अरे ये तो डीएनए स्टेशन है भाई, बट यहाँ पे डीएनए बनेगा क्या? डीएनए बनता है क्या यहाँ पे? डायनो के एसेंस बनते हैं, डार्क इवोल्यूशन। ओ यहाँ पे वो ड्राउनिंग ही, हाँ ये वाला ही वो। अरे इजी बीजी ये चाहिए ना हम लोग को, बस हो गया। ड्राउनिंग इवोल्वर, पुट इन यूअर वाइट डायनो एंड यूज इट टू गेट अ रैंडम ड्राउनिंग डायनो ब्लूप्रिंट एंड यूज इट टू समॉन यूअर ड्राउनिंग डायनोस। इजी पीजी, लेट्स गो बॉयज। ये मुझे डालना है वॉइड वाले डायनो में, और मेरे पास वॉइड वाला एक ही डायनो है जो है हमारा बल्ब डॉग। चलो मैं गलत चीज़ बना रहा था भाई, ये डीएनए का लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाय, ये तारा अंदर जाएगा और पुट इट इन यूअर वॉइड डायनो, पुट इट कर दिया, यूज इट टू गेट अ रैंडम ड्राउनिंग डायनोज ब्लू प्रिंट एंड यूज इट टू समन। भाई कैसे यूज करूँ लेकिन मैं, भाई इसको यूज कैसे करूँगा? ए बी सी डी एफ जी ऐसा कुछ दबाना है क्या? कंट्रोल शेंट्रोल अल्ट वगैरह पता नहीं यार। यूज इट, पुट इट इन यूअर वाइट डायनो, ये वाइट डायनो है, वाइट डायनो हाँ कर दिया, एंड यूज इट टू रैंडम ड्राउनिंग डायनो ब्लूप्रिंट एंड यूज इट टू गेट रैंडम ड्राउनिंग। भाई कहाँ मिल रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, जो बोला है वही तो कर रहा हूँ मैं। वॉइड वाले डायनो के अंदर ये वाला नहीं चलेगा क्या? दूसरा वॉइड डायनो ले जाते हो? ए रुको भाई, मैं दूसरा एक और वॉइड डायनो लेके आ रहा हूँ अब भी ऑन दी स्पॉट, तुरंत भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का। पीडी कौन सा है, तो वॉइड है क्या? नॉर्मल पीडी है भाई। मुझे डायनो चाहिए भाई, मुझे वॉइड वाला डायनो चाहिए भाई। आई नीड अ वॉइड डायनो, कोई भी चलेगा, वॉइड डोडो चल जाएगा। डीलो के बच्चे हैं यार, अत्याचार कर रहा है बेचारे के ऊपर। चलने हवा दे हवा, चलना भाई, क्या हीरो बनेगा तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, चलना तू भी। डीलो के बच्चे ये भी सो गया, अभी इसके अंदर हम लोग को डाल देना है भाई टेमेल पर, और हमारा ये वॉइड वाला ट्रीट ये हो गया भाई टेम, इसको करेंगे करायो। ठीक है मैं एक और वर्ड लेके आता हूँ, अगर डोडो के ऊपर वर्क नहीं करा तो कछुआ होता है वर्ड वाला है क्या आप, वो रहा कछुआ, कछुए के अंदर यूज करेंगे हम लोग ना। डरे है क्या जिम करे भाई? अरे बल्ब डॉग है वहाँ पे और वो भी है ना, बल्ब डॉग को पहले नीचे कर देता है। चोर के बच्चे हैं, अरे यार वो वर्ड इवोल्यूशन ही लेके भाग गया भाई चोर कहीं का, चोर है भाई यहाँ पे बड़े बड़े क्या ही बोले। कछुआ बिलाए कहा बेटा, हो गया कर लिया भाई, बोला कर रहा था मैं कछुए को बोला कर रहा था, बताओ हो गया टेम। ठीक है भाई एक नंबर, चलो कछुए को भी ले लिया मैंने बराबर, ठीक है। डोडो शोडो भी है मेरे पास, मैं जा रहा हूँ अभी चुपचाप से घर पे, और वो वॉइड वाला इवोल्यूशन एक और बना के मैं इनके अंदर डालता हूँ और देखता हूँ इवोल्व होता है कि नहीं। भाई बोला तो है वहाँ पे, ये डीएनए फिर किस काम आता है? यूज इट डीएनए टू क्राफ्ट अ ड्राउनिंग इवो। ऑलराइट सो हम लोग को कहाँ पे चला गया? ड्राउनिंग इवो,
वाले होशन बनाना है। और ये मैं अभी डालूंगा डोडो के अंदर या तो कछुए के अंदर, ठीक है। टर्टल का भाई मैं सैडल भी बना लेता हूँ चाहिए तो, और डोडो के ऊपर मैं डायरेक्टली राइड कर सकता हूँ लग रहा है। देखते चलो, कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा मॉड, बट हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। आ गया डोडो, सीधा डोडो के ऊपर राइड, और राइड करके सीधा इसके अंदर इवोल्यूशन। इसके व्हील में तो नहीं कुछ आता ना। ऑल राइट, ऐसा ही क्या, ऐसा ही क्या। रुक, इसके अंदर डालूंगा तो वो गेट डायनो डीएनए रिक्वायर टोकन, गेट ड्राउनिंग वो रिक्वेस्ट रिक्वायर रिवॉल्वर। हाँ यही चाहिए था, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। भाई बल्ब डॉग की पर क्यों नहीं वो बलि करे, हम लोग टर्टल की बलि चढ़ाते हैं ना भाई, टर्टल की बलि चढ़ाते। मैं बल्ब डॉग की क्यों बलि चढ़ाऊँ, नहीं गाइस मैं टर्टल की बलि चढ़ाऊंगा। इधर आजा बल्ब डॉग, मैं टर्टल की बलि चढ़ाऊंगा। गए ड्राउनिंग वो रिक्वेस्ट इवॉल्वर, ठीक है ये मुझे चाहिए। बापरे बापरे बापरे, म्यूजिक सूजिक बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है। क्या हो गया, मिला कुछ ना, मिला मिला कहाँ मिला, ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया गाइस, मिल गया। ये वो डीएनए ड्राउनिंग 120 चाहिए तुमको, वॉइड इसेंस ये मिल जाएंगे। बट मुझे ये कोई बताएगा कि वो डीएनए ड्राउनिंग, ठीक है ये बोल रहे बनाओ 400 लेवल का डायनो देंगे, लेकिन 400 लेवल का डायनो देंगे गाइस, ये रैंडम रैंडम कोई भी होगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं डीएनए कहाँ से लेके आऊँ भाई ड्राउनिंग वाला, क्योंकि अभी वो डीएनए मुझे ये वाला चाहिए ड्राउनिंग वाला, और इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए वॉइड वाला डीएनए, सॉरी मुझे वॉइड वाला डीएनए चाहिए, और मेरे पास वॉइड वाला डीएनए है ही नहीं, जबकि मैंने वॉइड वाले अनलिमिटेड डायनो को मारा है। मैं और मार के देखूँ थोड़ा, बड़े बड़े डायनो को मारेंगे तो मिल सकता है ना हमें भी, ऐसा हो सकता है हमने बड़े डायनो को किसी को मारा नहीं है, मैं भी बड़े डायनो हम लोग को भाई वॉइड वाले डीएनए दिखा ली। मैं जा रहा हूँ कि साइस वाले बायोम में, वहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े वॉइड वाले डायनो होंगे, उनसे 1v1 करते हैं, उनसे पंगे लेते हैं, और उनको मार के में भी हम लोग को डीएनए शीएनए मिल जाए, ठीक है। रफ रोग भी गए भाई डायनो यहाँ पे, रोग डायनो शैन हो जाए भाई, इनको फुल इग्नोर मार के मैं जा रहा हूँ पहाड़ी के ऊपर, कोई आके मार के ना चला जाए मेरे पीटी को बेचारे को, 10,000 ही हेल्थ है भाई बेचारे को, ठीक है भाई। मुझे वॉइड वाले डायनोस का डीएनए चाहिए किसी भी कीमत पे। मुझे लगा था डीएनए का झंझट खत्म हो गया है, बट इवोल्यूशन करने के लिए हम लोग को डीएनए की ज़रूरत है। बट गाइस खतरनाक है ना, ऐसे डायनो को सैक्रिफाइस करो, कोई भी रैंडम मिल जाएगा डायनो का वो ब्लूप्रिंट, मतलब कोई भी रैंडम, कोई भी रैंडम डायनो मिल जाएगा। और हम लोग सिंगल प्लेयर में खेल रहे हैं जिसमें डायनो के लेवल 150 होती है, ओनली 150, बट मुझे 450 लेवल तक का डायनो इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से मिल रहा है। सब सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। हम लोग को भाई बेसिकली जितना लेवल का डायनो मिलता है उससे 3-4 लेवल ज़्यादा का डायनो मिल जाएगा, इजी पीजी। बस मुझे वॉइड वाला डीएनए चाहिए, उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। वॉइड वाले डायनोज होते हैं ब्लू ब्लू कलर के, सो अगर हम लोग को वॉइड वाले डीएनए चाहिए तो वो ब्लू ब्लू कलर के डायनोज की पेटी बनानी पड़ेगी, और मैं बड़े बड़े ब्लू ब्लू कलर के डायनोज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। शायद बड़े डायनोज को मारने से हम लोग को डीएनए मिल जाए। डीएनए का डी भी ना दिख रहा भाई, ग्रिफिन है भाई, खतरनाक ग्रिफिन भाई, निकल लो। मैकेनिकल ग्रिफिन है जो ड्रोन आपको बताया मेरे ऊपर छोड़े गए थे, वो एक मैकेनिकल रेक्स ने छोड़े थे, और ये मैकेनिकल ग्रिफिन है, सो इससे मैं 400 किलोमीटर दूर ही रहूंगा। यार वॉइड वाला कोई डायनो ही नहीं है क्या, हाउ कैन आई गेट वॉइड डीएनए मैन, हाउ मैं कैसे वाइट डीएनए का जुगाड़ कर सकता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको मैं देखता हूँ यहाँ पे वाइट वाला डायनो दिखे तो हम डीएनए का जुगाड़ करें, वाइट वाला डायनो दिख ही नहीं रहा तो डीएनए का जुगाड़ कहाँ से कर सकते हैं भाई। एक वाइट डायनो नहीं है, मैमुथ वगैरह दिख रहे, मुझे डोडो कार्बन कछुए बिछुए वो मिल रहे, उनको मार के मुझे डीएनए शीएनए कुछ नहीं मिला है। हम लोग ने मारा है उनको, ये कौन है सोल मैन, अरे बाप रे 31 मिलियन एल्ट्रा शिट पावर भी इसके पास, जेम ब्रो इसके पास पावर भी है,
सोल अमार्गासोरस खतरनाक है, 31 मिलियन हेल्थ है भाई, डर जाएंगे आप भाई। तो कोई तो चीज है, इन्फर्नल शिन्फर्नल पता नहीं, लेकिन कोई तो है, कोई तो है। एक है एंड्रू सुचे से इन्फर्नल वाला, ठीक है। कहाँ से मिलेगा मुझे डीएनए, कहाँ से मिलेगा गाइस? इवोल्यूशन तो मैंने निकाल दिया है, बट उसके लिए बस डीएनए चाहिए। बॉस एसेंस मेरे घर पे पड़े हुए हैं, इवो डीएनए ड्रावलिंग डीएनए स्टेशन ही आ रहा है डीएनए लिखने से भी। डीएनए हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट नहीं कर सकते, वर्ड वाला उसको हासिल ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक काम करूँगा, इसमें थोड़ा ना रिसर्च करके आऊँ कि ये डीएनए हम लोग को वर्ड वाला नॉर्मल डायनो से क्यों नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। मैं थोड़ा देखता हूँ, कुछ समझ में आया गाइस तो, मतलब मॉड में जो लैंग्वेज है वो गाइस एलजीबी है, सो कुछ इसमें से समझ आया ट्रांसलेट वगैरह करके तो फायदेमंद रहेगा। देखते चलो डीएनए के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल के आता हूँ मैं। A few moments later. थोड़ी वैसे रिसर्च करके तो गाइस मैं आया हूँ, बट मुझे खास कुछ पता नहीं चला है यहाँ पे वॉइड वाला जो डीएनए है उसके बारे में, मुझे खास कुछ गाइस आइडिया नहीं मिला यहाँ पे। मुझे वॉइड नेमलेस, ओके, सो अगर ये वॉइड नेमलेस मारा जाता है उसके हाथों, वॉइड हार्ट मिल रहा है गाइस, देर इज नो वॉइड डीएनए, वॉइड हार्ट मिल रहा है खाली, यू विल नीड इट टू थ्रो इट बाय, वॉइड हार्ट मिल रहा है वॉइड वाले डायनो को मारने से, क्या यही वॉइड डीएनए है? नहीं, क्या ये वॉइड हार्ट जो मिल रहा है ये वॉइड डीएनए की तरह काम करता है? रुको, घर पे जाने दो एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस नेमलेस को भी मार के देखा, मार के मैंने नहीं देखा उसने मारा, बट फिर भी कुछ खास चीज़ नहीं मिली। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये हार्ट तो कि ये एज अ डीएनए वर्क नहीं करेगा, वॉइड डायनो डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉइड डायनो डीएनए। बाकी डीएनए तो मुझे मिल जाएगा, इन्फर्नल डायनो, मैंने इन्फर्नल को भी मारा ना गाइज, बट मुझे इन्फर्नल वाले डायनो का डीएनए भी नहीं मिला। तो यहाँ पे सीन क्या है डीएनए का, क्योंकि मैंने इन्फर्नल, देखो इसके लिए इन्फर्नल डायनो डीएनए चाहिए, बट मैंने इन्फर्नल डायनो को मारा लेकिन इन्फर्नल डायनो का डीएनए मुझे मिला ही नहीं, और नहीं वॉइड डायनो का डीएनए मिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ छे। सिकल, इस मॉड के एक सिकल होता है, या फिर डीएनए कुछ है यहाँ पे, या सिकल ये काम क्या आती है? रुको, कॉपर, कॉपर इनगट, वेट अ मिनट, कॉपर इनगट ये रहा, कॉपर और चाहिए। अरे यार कॉपर और कहाँ से लाऊँ मैं, ये बता नहीं मुझे भाई कॉपर और कहाँ से मिलेंगे, कॉपर और किसी को मारने से मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कॉपर ओरा, ओरा कॉपर ओरा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं मे बी, और नहीं ये सिकल से हम लोग को कुछ मिलेगा क्या, क्योंकि मैं इस हैचेट वगैरह से तो मार रहा हूँ बट मुझे ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं मिल रही है। PHNX के टूल ये वाला है, फ्यूनिक्स पिकैक्स वगैरह है, फ्यूनिक्स फोर्ज है, फ्यूनिक्स वाली और कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ये सिकल मुझे लग रहा है किसी ना किसी काम आएगी, मिड फ्रॉम बॉडी सोल वगैरह कुछ हार्वेस्ट कर सकती है ये। हम लोग को सोल कैसे मिलेगी, क्योंकि हम लोग डायनोस को मार रहे हैं बट उसकी सोल नहीं मिल रही है। पिकैक्स से हार्वेस्ट करके मे भी सोल मिल जाए, लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ, रुको यहाँ पे सोल इकट्ठा करने की। ओके, लगाया था, इसके ऊपर से नीचे करूँगा मैं सोल जो है ना गाइस वो एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करता हूँ अलग अलग इक्विपमेंट से, उनको हार्वेस्ट करके देखता हूँ मुझे सोल मिलती है कि नहीं। आजा फिनिक्स भाई, अबे फिनिक्स थोड़ा बावड़ी पूछे क्या, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई तू, ये क्या कर रहा है फिनिक्स? सटिया गया लग रहा है फिनिक्स थोड़ा, हमारा फिनिक्स थोड़ा सा सटिया गया लग रहा है, वहीं पर मैं आ रहा हूँ ऊपर, रुक, पागल हो गया भाई मेरा फिनिक्स। अभी ये उड़ पा रहा है, ये क्या बदतमीजी, अभी ये उड़ पा रहा है बराबर, ये देखो
अभी ये उड़ पा रहा है। वाह वाह बेटे वाह, अभी कैसे अचानक से उड़ने की शक्ति आ गई फिनिक्स के अंदर। पिछले एपिसोड में तो उड़ नहीं पा रहा था, ना हमारे लिए अच्छी बात है भाई दवे वैसे कि ये उड़ पा रहा है। अभी हम लोग उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। सो मुझे वॉइड वाले क्रीचर दिखाओ। ये वॉइड वाला बर्ड है हमारा, मैंने इसको मारा, मुझे इसकी आत्मा नहीं मिली। अरे भाई पागल, रुक जा भाई, इसकी डेड बॉडी खाने के पीछे पड़ा हुआ है। इसकी इन्वेंट्री में एक्सेस इन्वेंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। इससे हार्वेस्ट करूँगा तो मुझे मिट्टी मिल रहा है खाली। ओके अभी पिकैक्स से हार्वेस्ट करके देखता हूँ मैं क्या होता है। गई गई एबिलिटी, गई उड़ने की एबिलिटी, गई उड़ने की एबिलिटी, गई इसकी ख़त्म हो चुकी है, काम से चला गया गई, ख़त्म हो गई उड़ने की एबिलिटी। सोल निकालने का काम भी कोई डायनो ही कर सकता है क्या? ऐसा कुछ तो सीन नहीं है, जैसे कि बॉस इसेंस हमारा फ्यूनिक्स ने निकाल दी है, वैसे सोल भी हार्वेस्ट करने के लिए हम लोग को कोई डायनो चाहिए होगा इस मॉड में। गाइस अगर आपको कुछ आइडिया है तो भाई हेल्प कर देना यार मेरी। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भी कुछ आइडिया होगा क्योंकि ये मॉड अब भी जस्ट आया है, बट अगर आपको आइडिया है कुछ तो कृपया करके हेल्प जरूर करना, काफ़ी मदद हो जाएगी गाइस तुम्हारे भाई की, है ना। कुछ खास यहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे, सोल नहीं मिल रही यार, सोल नहीं मिल रही भाई। तेरा ऑप्शन है कुछ ऐसा सोल वगैरह का? इवो इन्फर्नल, इवो फ्यूनिक्स टू इन्फर्नल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वो इवोल्यूशन वो डाला ही नहीं है। ये ब्लेज ऑफ, ब्लेज ऑन कर दिया, उड़ेगा क्या अभी? नहीं उड़ेगा नहीं भाई, अलग ही सीन है, कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा है इस मॉड में। मुझे एक तो और मिल जाए यार यहाँ पे, वो कौन सा टायर मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं टायर का नाम भी भूल गया इसके चक्कर में। तो मैं टायर ढूंढ रहा था अपनी यार वाइट टायर का एक डायनो मिल जाए बस मुझे। भाई सीधा पट्ट से नीचे जंप मारी है, मुझे लगा था हवा में उड़ेगा भाई, उड़ जा नहीं, उड़ा तो बिल्कुल नहीं है, उड़ तो बिल्कुल नहीं रहा। मैं इन्फर्नल डायनो को मार रहा हूँ ना तो भी मुझे उसकी सोल नहीं मिल रही है। मुझे ड्राउनिंग वाली सोल मिल रही है, बट इन्फर्नल और वॉइड डायनोज को मारने से, क्योंकि दो ही टायर के डायनोज अभी तक मैं मार पाया हूँ, उनको मारने से मुझे उनकी सोल नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों। उनकी सोल एक्सट्रैक्ट करने का में भी कुछ और तरीका हो सकता है। हैचेट से भी नहीं मिलेगी क्योंकि हैचेट से भी मैं फार्म कर चुका हूँ पहले, उनको घर पे चलने दो। गाइस मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ, अभी करे तो करे क्या? गाइस आप बताएं मुझे नीचे कमेंट करके कि मुझे अभी करना क्या चाहिए, मेरे पास क्या चॉइस बचती है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, वाइट बच रहा हूँ, गेट डी एन ए रिक्वायर टोकन, गेट डी एन ए रिक्वायर टोकन, एक मिनट गेट डी एन ए ना, यहाँ पर क्या ऑप्शन ना, गेट डी एन ए रिक्वायर्स टोकन, विच टोकन्स, गेट डायनो डी एन ए रिक्वायर टोकन, कौन सा फ्यूनिक्स टोकन, यूनिट फ्यूनिक्स टोकन ब्रो, फ्यूनिक्स टोकन क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है भाई, हो रहा है रिंगा रोजेस हो रहा है इसके आजू बाजू भाई, इवोल्यूशन हो रहा है भाई, ये मिल गया वाइट। अच्छा भाई अच्छा ये भी रहेगा वैसे ही, ओके मतलब टोकन को हम लोग डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स गो। फाइनली मैंने पता लगा लिया, ए भाई इसका भाई का डबल बना दे पहले। हाँ बाबा रे बाबा, थक गया, इतनी सी चीज़ थी भाई, मतलब चीज़ें हमारे सामने ही है बट मॉड हमारे लिए नहीं आए, तो भाई समझने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। मुझे लगा ही था भाई कि ऐसे ही कुछ होगा क्योंकि एंड में मुझे ना समझ नहीं आया, लेकिन मुझे अचानक से वहाँ पे जो पहाड़ी पे घूम रहा था ना एक चीज़ याद आई कि मैंने दो ऑप्शन देखे थे वाइड वाले डायनो के इन्वेंट्री में, दूसरा ऑप्शन किस चीज़ का था, सो वो देखने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और भाई जो मैंने सोचा था वही हुआ,
हम लोग को टोकन डायनो के इन्वेंट्री में नहीं मिले, हमको उसके अंदर भाई फिनिक्स टोकन डाल देने, उसको कन्वर्ट करके डीएनए में दे देगा हम लोग को, ऐसा सीन है। और उसके लिए वो डायनो जो है वो गायब वगैरह भी नहीं होगा। खतरनाक यार, खतरनाक। काश ये पता होता तो आज के इस एपिसोड में इवोल्यूशन निकल जाता हमारा, बट हमारा आज का पूरा एपिसोड इधर उधर ठोकरे मारने में, इधर उधर घूमने में निकल गया। चलो कोई ना, अगले एपिसोड में कैसे हम लोग इवोल्यूशन निकालेंगे। और क्या लगता है 450 लेवल का ड्राउनिंग वाला कौन सा डायनो हमको मिलेगा, नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी के लिए ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये मॉड आपको कैसे लग रहा है जरूर बताना नीचे कमेंट करके। ठीक है, लेट्स गो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get